नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोज पे। अगर आप हमारे चैनल पे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेल स्टॉक को लेके, और गेल स्टॉक में जो है अच्छा खासा एक तेजी हम लोग को देखते हुए मिल रहा है। और कुछ दिन पहले भी जो हम लोगों ने गेल स्टॉक के बारे में आपको टारगेट प्राइस दिया था, ऑलमोस्ट वो भी हिट हुआ है। रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो पे बने रहिए, कोई स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग से, तो उसका लिंक जो है हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखे रखा है। अगर आप हमारे यहाँ से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक साल का AMC फ्री मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बात है। तो दोस्तों, गेल में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को पता है कि गेल का स्टॉक जो है ऐसा नहीं कि 200-250 के ऊपर का स्टॉक है और इसमें जो डाउन ट्रेंड देखने को मिला, ये 200 के नीचे का ही स्टॉक है। और यहाँ पे जो अच्छा खासा फिलहाल एक तेजी अभी देखने हुए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर एक साल का भी इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे तो एक साल के अंदर भी आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 124 के आसपास ही ट्रेड हुआ है, या फिर 130 के आसपास ही पहुंचा है। तो एक साल के अंदर स्टॉक जो है 140 के ऊपर नहीं गया है। फिलहाल यहाँ पे जो है अभी कुछ लोग बुलिश है, या फिर बहुत जो है एक बड़ा एक स्टॉक में जो एक टारगेट प्राइस दिया गया है, आगे हम लोग शेयर करेंगे वो आपके साथ। तो यहाँ पे एक साल के अंदर भी जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखा है तो 130 रुपीज के ऊपर, या फिर 130.35 रुपीज के ऊपर स्टॉक नहीं गया है। फिलहाल ये स्टॉक 140 रुपीज के नीचे ट्रेड हो रहा है एक साल से। 6 महीने के इन्फॉर्मेशन देखते हैं, 6 महीने के 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 80.60 पैसे के आसपास चल रहा था, और उसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर स्टॉक जो है 104 रुपये, फिर 105 रुपये के आसपास ही पहुंच गया था। फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टॉक का प्राइस 82.30 पहुंच गया था, मतलब यहाँ पे जो है जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी ग्राफ पे 88.60 से लेकर स्टॉक जो 100 रुपये के ऊपर पहुंचा, फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था जब स्टॉक का प्राइस 82 के आसपास पहुंच गया था। तो फिलहाल यहाँ पे 82 के पास पहुंचने के बाद स्टॉक में एक अच्छा जो है तेजी देखने को मिला है हम लोगों को। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 महीने का इन्फॉर्मेशन देखते तो 1 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 84.20 पैसा चल रहा था, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा जो है मूवमेंट बनता हुआ दिखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ में हम लोग को देखने को मिल रहा है, 1 महीने के अंदर भी जो स्टॉक ने 18 रुपीज के ऊपर रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक अच्छा जो है हम लोग को रिटर्न देखने को मिल रहा है। और स्टॉक में अगर 6 महीने से जैसे कि हम लोगों ने देखा है 104-105 रुपये पहुंचने के बाद एक गिरावट आया, फिर से स्टॉक में जो है तेजी दिख रहा है। फिलहाल अभी 5 डेज का इन्फॉर्मेशन देखते तो 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस 93.40 पैसा चल रहा था, उसके बाद फिर से स्टॉक में एक तेजी देखने को मिला है। और अगर 5 डेज के अंदर भी देखते दोस्तों तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9.55 रुपीज का जो है स्टॉक ने रिटर्न दिया है, जो कि 10.22% के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बोल सकते हैं कि 6 महीने से भी स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है, 5 डेज के अंदर भी स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। और यहाँ पे अगर देखते तो कंटिन्यूअसली स्टॉक जो है अच्छा खासा एक रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आज के इन्फॉर्मेशन देखते तो अभी भी जो ग्राफ में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देखते हुए मिल रहा है। यहाँ पे ओपन प्राइस देखेंगे, आज का ओपन प्राइस हाई प्राइस एंड लो प्राइस, तो स्टॉक ओपन हुआ था 102.30 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 103.45 पैसे का, एंड लो प्राइस दिया है 101.60 पैसे का। और आज जो है यहाँ पे 0.64% का जो है रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग अभी बुलिश है गेल स्टॉक को लेके, और स्टॉक में जैसा चल रहा है बहुत सारे लोगों ने जो है फिलहाल अभी बाई का रेटिंग दिया है गेल स्टॉक को, या फिर खरीद के रखने के लिए बता रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग का जो ओवरव्यू रहेगा, अगर किसी ने ये स्टॉक लिया रहेगा 104-103 या 105 रुपए के अंदर, तो भी शायद से इसमें कुछ दिन रुक सकते हैं, जहां पे आगे एक अच्छा रिटर्न हम लोग के स्टॉक में दिख सकता है बनते हुए। तो यहाँ पे चलिए अभी आगे का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। NSE के साइट पे आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे यहाँ पे देखते हैं तो ट्रेडेड वॉल्यूम आप देख सकते हैं 1,74,24,168 का जो है ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग को देखते हुए मिल रहा है, जो कि एक अच्छा ट्रेडेड वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे देखते हुए मिल रहा है, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा खासा जो है यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम है। और यहाँ पे अगर देखते हैं फेस बिलो 10.00 का, 52 का हाई प्राइस दिया है 133.35 पैसे का, एंड 52 का लो प्राइस दिया है
65 रुपीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फिलहाल स्टॉक में एक अच्छा खासा पैटर्न हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन, तो वो यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल आप देख सकते हैं 61,49,116 का जो है डिलीवरेबल क्वान्टिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में जो अच्छा खासा डिलीवरी भी हुआ है एक दिन में, एंड डिलीवरेबल क्वान्टिटी टू रेट क्वान्टिटी का परसेंटेज निकालते हैं तो वो है 35.29%। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एनएससी के साइड से भी हम लोग एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया है, और ये स्टॉक का अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी भी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हम लोग को ये स्टॉक का डिलीवरी देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये स्टॉक में जो है खरीद के रखना चाहिए, और स्टॉक में जैसा चल रहा है अभी भी देखा हम लोगों ने 6 महीने के अंदर भी जो है स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है, और 6 महीने के अंदर स्टॉक का प्राइस 105 पहुंचने के बाद थोड़ा इसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, 82 रुपीज़ तक पहुंच गया था, फिर से स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है। तो फिलहाल यहाँ पे 6 महीने से भी जिसने भी स्टॉक लिया फिर 1 मंथ के अंदर, तो ये स्टॉक ने अच्छा एक रिटर्न दिया है। तो चलिए यहाँ पे आगे का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आगे हम लोग स्क्रीन पे जो हम लोग को देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल जो है फिलहाल अभी गेल स्टॉक को लेके हम लोग बोल सकते हैं कि बुलिश है या फिर इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहा है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि मोतीलाल ओसवाल हैज गिवन अ बाय रेटिंग टू गेल विथ टारगेट प्राइस ऑफ ₹153। मोतीलाल ओसवाल से जो है फिलहाल बाय रेटिंग दिया गया है गेल स्टॉक में, जहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया है ₹153 का। तो फिलहाल हम लोग को लग नहीं रहा है कि ये स्टॉक जो है बहुत जल्दी 153 रुपीज़ तक पहुँच सकता है। अगर यहाँ पे एक अच्छा जो है अभी भी जो मजबूती दिख रहा है गेल स्टॉक में, फिलहाल हम लोग को लग रहा है स्टॉक जो 106 से लेकर 107 रुपये तक बहुत जल्दी हिट हो सकता है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल से एक अच्छा जो है बाय रेटिंग दिया गया है ये स्टॉक में। और यहाँ पे अगर आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं गेल स्टॉक का सेल्स का भी आप देख सकते हैं, क्वार्टर एंडेड 30/9/2020 जो अभी सेप्टेम्बर 2020 का जो क्वार्टर एंडेड इन लोगों का सेल्स है वो देखेंगे तो कंसोलिडेटेड सेल्स जो है वो है 13,796.29 करोड़ का, 13,796.29 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर का जो सेल्स था उसमें से 13.32% ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे गेल जो है एक अच्छा रिपोर्ट यहाँ पे पोस्ट किया है, अगर वो भी हम लोग देखते हैं जैसे कि सितंबर 2020 क्वार्टर को जो इन लोगों ने रिपोर्ट जो है दिया है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया, जहाँ पे इन लोगों का सेल्स जो है गेल का वो लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर के सेल्स से 13.32% ज़्यादा जो है यहाँ पे दिखाया गया, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है बोल सकते हैं गेल के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि गेल में अगर देखते हैं हम लोग बीच में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था, और गेल में अभी कंटिन्यूस जो है अच्छा अपडेट्स आ रहे हैं, गेल स्टॉक में भी अच्छा खासा मजबूती हम लोग को देखते हुए मिल रहा है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे गेल में जो है जैसा चल रहा है तो हम लोग को लग रहा है कि स्टॉक जो है बहुत ही जल्दी 106 रुपये से लेकर 107 रुपये तक हिट हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग बता रहे हैं कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, सिर्फ जो हम लोग का ओवरव्यू है स्टॉक को लेके एक वो हम लोगों ने कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने के लिए आपके साथ। और जो भी स्टॉक का हम लोग टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस देते हैं सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू रहता है, ज़रूरी नहीं कि उसे टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस के लिए आपको खरीदारी करना है। जब भी कोई स्टॉक लेते हैं खुद से